जय हिंद। राजरीव सेंटर दिल्ली में इंडियन आर्मी रैली भर्ती शुरू हो चुकी है, जो आपका 2 अगस्त से ही रैली भर्ती स्टार्ट हो चुका था। 2 अगस्त के दिन में जो आपका रैली भर्ती हुआ था वो आपका हरियाणा स्टेट वाले कैंडिडेट की रैली भर्ती हुई थी, और वही जो आपका रैली भर्ती चला था 2 अगस्त के दिन उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था 3 अगस्त के दिन। मतलब कि एक एक दिन गैपिंग करके आपका जो स्टेट का रैली भर्ती हुआ था उसका नेक्स्ट दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है। जो आपका फर्स्ट दिन, जो पहला दिन आपका रैली भर्ती चला था राजरीफ में, वो हरियाणा स्टेट के लिए रैली भर्ती चली थी, और उसका जो दूसरा दिन आपका वही स्टेट का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया गया था, मतलब 3 अगस्त के दिन में। और जो आपका 4 अगस्त के डेट में जो रैली भर्ती चली थी, मतलब कि कल जो आपका रैली भर्ती चला था 4 अगस्त के डेट में, वो उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट की रैली भर्ती चली थी, और आज 5 अगस्त है, तो आज 5 अगस्त के दिन में उसी का उत्तर प्रदेश वाले कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आज होगा। एक एक दिन गैपिंग करके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाया जा रहा है जो कैंडिडेट का रैली भर्ती फिजिकल में पास कर चुके हैं। तो 4 अगस्त के डेट में जो आपका रैली भर्ती चला था, कितने बच्चों का ग्रुप बन रहा था, टाइमिंग क्या दी जा रही थी और बैच क्या बन रहा था, पूरी डिटेल के साथ इस वीडियो में समझते हैं, ताकि आपका रैली भर्ती जो आने वाला है उससे आपको बहुत चीज़ सीखने को मिलेगा और आपको उससे अंदाज़ा और आइडिया मिल जाएगा, तो वो आसानी से आप रैली भर्ती में जा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं अदर वाले की, अदर सेंटर वाले की आपको इन्फॉर्मेशन बता रहा हूं, उसके बाद सेल्फ वाला की भी बताऊंगा। देखिए, अदर वाला का जो आपका बैच तैयार करवाया जा रहा है, इसमें आपके करीबन 70 से लेके 100 के आसपास ये बैच तैयार करवाया जा रहा है अदर सेंटर वाले की। इसमें कोई कोई बच्चे 150 की भी बैच बता रहे हैं, मतलब एक देखा जाए एवरेज तो 70 से 100 के बीच में आपका चल रहा है बैच, और कोई कोई बच्चे बता रहे हैं 150, मतलब मैक्सिमम देख लिया जाए बैच तो आपका 150, और मिनिमम देखा जाए तो आपका 70 का बैच इसमें बनाया जा रहा है। और इसमें मैं आपको बता रहा हूँ टाइमिंग के बारे में, तो टाइमिंग इसमें 5:20 से लेकर 5:35 तक का बच्चे टाइमिंग इसमें बता रहे हैं। एक यही आपका टाइमिंग चल रहा है 5:20 से लेकर 5:35 तक, टाइमिंग भी आपको ठीक ठाक दी जा रही है, क्योंकि 5 मिनट भी अगर जो कैंडिडेट रनिंग में पास कर जाते हैं 1600 मीटर में होम ग्राउंड पे, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 5:20 से लेकर 5:35 तक की टाइमिंग दी जा रही है, तो आप आसानी से रैली भर्ती में पास कर सकेंगे। देखिए, बैच के बारे में मैं आपको बता दिया टाइमिंग, अब इसमें जो बच्चे पकड़े जा रहे हैं, मैं आपको बताया कि 70 से लेकर 150 के आसपास आपकी बैच तैयार करवाई जा रही है, और इसमें जो बच्चे को लिया जा रहा है इस टाइप से लिया जा रहा है, मतलब कि 12 हो गया, 20 हो गया, इस टाइप से 12 से लेकर 20 तक का यही आपका एवरेज चल रहा है, 12 13 14 15 18 19 20 इस टाइप से रिपोर्ट आ रही है, 12 से लेकर 20 एक एवरेज देखा जाए जो बच्चों को आज पकड़ा गया है। ये अदर वाला का आप इन्फॉर्मेशन समझे, जो आपका टाइम दिया गया है और आपका जो बैच बना और इसका जो आपका ग्रुप बना और जो भी आपका इसमें कितने पकड़े गए हैं, इसमें आपको पूरी डिटेल समझ में आ गया अदर वाला का। जो आप देखिए, देखते हैं कि सेल्फ वाला को कितने बच्चों को पकड़ा जा रहा है, टाइमिंग और ये सब कुछ पूरी जानकारी देखते हैं। और इसमें सेल्फ सेंटर वाले की जो बैच तैयार करवाई जा रही है वो करीबन, मैं आपको बता रहा हूँ बैच के बारे में, जो सेल्फ सेंटर के लिए वहाँ पे तैयार करवाया जा रहा है बैच, वो आपका 50 से लेकर 75 के आसपास इसमें बैच तैयार करवा जा रहा है, 50-75 के अंडर ही में आपका ये बैच तैयार करवा जा रहा है। और इसमें जो आपकी टाइमिंग दी जा रही है वो करीबन आपको पूरा फुल टाइमिंग दी जा रही है, 5:40-5:45 इस टाइप से आपको टाइमिंग दी जा रही है, 50 से लेकर 75 बच्चों को इसमें बैच तैयार करवा जा रहा है, इसमें टाइमिंग आपको 5:40-5:45 पूरा, मतलब फुल टाइमिंग दी जा रही है। और इसमें जो बच्चों को पकड़ा जा रहा है वो 20-25 इस टाइप से बच्चों को लिया जा रहा है। भाई, आपको इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी कभी नहीं मिलने वाली है, सेल्फ वाले की यही आपका 20-25 लिया जा रहा है, और आपका ग्रुप जो तैयार, बैच जो तैयार करवाया जा रहा है यार, आपकी 50 से लेकर 75 तक बैच आपका तैयार करवाया जा रहा है, और इसमें से 20-25 बच्चे को ले ही लिया जाता है, जब 400-500 की ग्रुप बनती है उसमें से 20-25 बंदे को लिया जाता है, तो ये तो आपके लिए बहुत ही आसान चीज़ है यार, 50 से लेकर 75 बच्चे को ग्रुप बना और 20 या 25, अरे 20 या 25 नहीं भी लेते हैं या 15 भी ले लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा ले रहे हैं यार, 50 में या 75 में 15 भी ले रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। ये 4 अगस्त की रिपोर्ट थी जो उत्तर प्रदेश कैंडिडेट वहाँ रैली भर्ती में गए थे, और मैं आप सभी लोग से यही अपील करूँगा कि आपकी रैली भर्ती में जाना है तो भाई पूरा A to Z डॉक्यूमेंट्स बनवा कर लेकर जाना है। आपको डॉक्यूमेंट सबसे पहले चेक किया जा रहा है, 2-3 डॉक्यूमेंट्स जो ऑलरेडी, पहले आप सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर जाए वहाँ पे, ओरिजिनल और सभी डॉक्यूमेंट्स का आपका जीरोक्स होना चाहिए, ओरिजिनल और साथ ही में आपका जीरोक्स होना बहुत ज़रूरी है ऑल डॉक्यूमेंट्स का, बाकी आपको एंट्री मिलने वाली है। आपके पास एक
रिलेशनशिप का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए, वो आपके हाथों में होना चाहिए, डोमिसाइल होना चाहिए, कोविड 19 का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये आपका 3-4 सर्टिफिकेट आपको सबसे पहले चेक किया जा रहा है उस जगह पे, तभी आपको एंट्री मिलने वाली है। तो आप सभी लोग सबसे पहले रैली भर्ती में जिनका भी होने वाला है वो आपको A to Z आपको पूरा डॉक्यूमेंट्स बनवा कर वहाँ पर रैली भर्ती में जाना है, जेरोक्स और पूरा ओरिजिनल होना चाहिए डॉक्यूमेंट्स। ऐसी ही खबरों के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।